हाई एवरी वन, वेलकम टू यू पी एस सी हिस्ट्री रिविजिटेड। आज हम एक और लेवल अप यानी कि जाने वाले हैं, एक और मॉड्यूल जो है वो लेवल वन में मैं ऐड कर रही हूँ, और वो है एंशिएंट हिस्ट्री थ्रू मैप्स का। यानी कि हमने बेसिक्स डिस्कस कर लिया है, हमने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखी, अलग अलग तरह के सोर्सेज देखे, टाइमलाइन जो है, अलग अलग तरह के कैलेंडर्स भी यहाँ डिस्कस किए। अब हम यहाँ प्रॉपर तरह से एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, और बेसिकली जो शुरुआत का पीरियड होगा यानी कि लेवल वन से जुड़े हुए जो लेक्चर्स होंगे वो बेसिक इन्फॉर्मेशन से जुड़े होंगे, उस पर्टिकुलर पीरियड से जुड़े हुए। तो यहाँ पे आज हम स्टोन एज की शुरुआत करेंगे। स्टोन एज जो है उसे कवर करने से पहले इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो स्टोन एज का पीरियड है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब यहाँ पर क्या है, इट मीन्स कि ये वो समय है जिस समय हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई लैंग्वेज नहीं थी। आई होप आपने प्रीवियस लेवल वन के सेशन ज़रूर देखे होंगे, उसमें आपने पढ़ा भी होगा स्क्रिप्ट और लैंग्वेज के बारे में। तो हम इस पर्टिकुलर स्टोन एज का जो पीरियड है इसको सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर ही पढ़ते हैं। जो भी हमें चीज़ें मिली, जिस तरीके भी आर्टिफैक्ट्स मिले, जिस तरह के भी स्टोन के टूल्स मिले, उन्हीं टूल्स को हम प्रॉपर तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या इस्तेमाल रहा होगा, और इसी बेस पर हम लोगों को उनके काम को जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टोन एज की। लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझना होगा कि स्टोन एज या फिर ये पाषाण युग जो है ये वो समय है जिस समय ह्यूमन भी इवॉल्व हो रहे हैं। ह्यूमंस के इवोल्यूशन से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पर एप जो है उससे हम ह्यूमंस बनते जा रहे हैं, यानी कि वाइजर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। आप यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे तो आप बहुत सारे चेंजेस आते हुए देखेंगे। यहाँ पर एक तरीके से जो स्कल है उसका जो शेप है वो भी बदल रहा है, मनुष्य जो है वो समय के साथ साथ वाइजर होता जा रहा है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन एप या चिंपेंजी से ह्यूमन बींग्स तक का इवोल्यूशन जो है वो भी इस स्टोन एज में देखा जा सकता है। लेकिन उस इवोल्यूशन को आखिर पढ़ा कैसे जाए, उस इवोल्यूशन को आखिर समझा कैसे जाए। सो द पॉइंट इज कि ये जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है, जैसे जैसे यहाँ पर मनुष्य जो है और ज़्यादा वाइज होता जा रहा है, वो सारी चीज़ें स्किल्स में नज़र आती हैं। लेकिन स्किल्स कहाँ नज़र आएंगी, टूल्स में। तो टूल्स किस तरीके से बनाए गए हैं उसी में आपको इन अर्लीस्ट ह्यूमंस जो हैं एक तरह से उनकी स्किल्स देखने को मिलेंगे, और वो स्किल्स जो हैं वो और ज़्यादा बेहतर होती जाएंगी जैसे जैसे आपको और नए नए टूल्स मिलते जाएंगे। उसमें आपको और ज़्यादा बेहतर स्किलफुल काम किए गए चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी, और वहीं से हम इस इवोल्यूशन पीरियड को भी ट्रेस कर सकते हैं। तो स्टोन एज इज़ अबाउट ऑल दीज ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर जो अर्लीस्ट ह्यूमन्स हैं, आदिम मानव हैं, उनके बारे में तो है, लेकिन उसमें जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं वो एक तरह से उस इवोल्यूशन पीरियड को स्टडी करने में भी मदद करती है। तो हम उसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं स्टोन एज की। एज वी ऑल नो, स्टोन एज की अगर हम बात करें तो इसको यहाँ पर तीन पीरियड्स में बांटा जा सकता है। पहला है पेलियोलिथिक पीरियड। एंड पेलियोलिथिक पीरियड का मतलब क्या होता है, बेसिकली पेलियोलिथिक पीरियड, पेलियो मीन्स ओल्ड, लिथिक का मतलब स्टोन, सो पेलियोलिथिक मतलब कि ओल्ड स्टोन एज। तो पेलियोलिथिक पीरियड वो समय है जिससे जुड़े हुए सबसे पुराने टूल्स हैं, सबसे पुराने जो स्टोन के टूल्स हमें मिले हैं हम उसको इस कैटेगरी में डालते हैं। ये जो टूल्स हैं ये इतने ज़्यादा शार्प या इतने ज़्यादा बेहतर नहीं है, ओके, लेकिन हाँ ये यहाँ पर हंटिंग और गैदरिंग से जुड़े हुए थे। तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं, इस तरीके की टूल्स यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये इस तरीके की कुछ टूल्स आपको मिलेंगे, जिनमें हम क्लीवर्स देख सकते हैं, चॉपर्स देख सकते हैं। और अगर इन टूल्स को आप देखेंगे तो ये किस ओर इशारा करते हैं, इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता होगा, हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए ही इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे आप इस तरह के भी बहुत सारे टूल्स देख पाएंगे। यहाँ पेलियोलिथिक पीरियड से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि सोन वैली, इसके साथ साथ दिद्वाना, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, तुंगाभद्रा वैली, कुरनूल की गुफाएँ। अगर हम एक एक करके इन सभी साइट्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करें तो इन साइट्स में भीमबेटका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। भीमबेटका इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर इन टूल्स के बनाए जाने के एविडेंसेस मिले हैं, यानी कि यहाँ पर लोग इन टूल्स को बनाया करते थे, वो एक फैक्ट्री साइट भी मानी जाती है। यहाँ मान लीजिए अगर इसको आप एक पत्थर के तौर पर लेते हैं और इसी को आप
एक टूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप इसको हिट करेंगे किसी भी दूसरे हार्ट, यहाँ पे मान लीजिए ये एक पत्थर है, इससे आप हिट करेंगे। हिट करते समय बहुत से फ्लेक्स, बहुत से छोटी छोटी चिप्स जो है, एक्स्ट्रा जो पत्थर है वो गिरेगा। अगर ये प्रॉपर शेप का नहीं बना तो भी आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो डिस्कार्डेड टूल्स हो गए या फिर छोटे छोटे फ्लेक्स हो गए, चिप्स हो गई, वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आर्क्योलॉजिकल एविडेंसेस के तौर पर भीमबेटका केव्स में पाई गई है। और उसी बेस पर भीमबेटका को फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट भी कहा जाता है। भीमबेटका की गुफाएं ये आदिम मानव जो है रहने के लिए इस्तेमाल करते थे, और उन्हीं गुफाओं में ये इस तरीके के टूल्स भी बनाया करते थे। नॉर्मली नर्मदा और तुंगाभद्रा वैली नदियों के पास ही इन्होंने बसने की ज़्यादा कोशिश की, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी प्लेंटीफुल ऑफ रिसोर्सेज इन्हें अवेलेबल थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। वहीं इसी पेलियोलिथिक एज में एक और साइट है कुरनूल केव्स। कुरनूल की जो गुफाएं हैं वहां पर आपको एशेस के एविडेंसेस मिलेंगे। एशेस मतलब कि राख। इसका मतलब ये हुआ कि इस पीरियड में ही इन लोगों ने आग यानी कि फायर जो है उसकी डिस्कवरी कर ली थी। यहाँ उसका इस्तेमाल वो काफ़ी चीज़ों के लिए करते होंगे, शायद खाने को पकाने के लिए, या फिर यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें अपनी गुफाओं से दूर रखने के लिए। तो ये हंटर्स और गैदरर्स से, पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो हंटिंग और गैदरिंग से ही जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूँ तो ये 2 मिलियन बिफोर कॉमन एरा से क्या पे 12 से 10 हज़ार बिफोर कॉमन एरा के बीच आता है। चलिए नेक्स्ट पर्टिकुलर एज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक का मतलब होता है मिडिल स्टोन एज। ये जो पर्टिकुलर पीरियड है इसको ट्रांजिशन पीरियड भी माना जाता है, यानी कि इस दौरान पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण आपको अलग अलग तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु जो हैं वो इस पर्टिकुलर पीरियड में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे यही वो समय है जिस समय फलों वाले पेड़ जो है वो लगने लग गए। पहले फलों वाले पेड़ नहीं लगते थे, फल जो है वो आपको यहाँ पे पेड़ों पर नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन ये वो समय था जिसमें ऐसे भी पेड़ आने लग गए जिनमें फल लगते थे, फूल लगा करते थे, बट फल वाले पेड़ जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो एक पेड़ जो है वो कैसे उगता है, कैसे फल लगता है, कैसे वो फल नीचे गिरता है, उसमें किस तरह से एक बीज है जो कि यहाँ पर वापस से मिट्टी में मिल जाता है और वहाँ से वापस से एक पेड़ निकलता है, ये सारी चीज़ें जो चारों ओर हो रही थी इस पर्टिकुलर पीरियड के लोग उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि कैसे जानवर रिप्रोडक्शन के जरिए नेचुरली मल्टीप्लाई होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इसी वजह से मेसोलिथिक पीरियड को ऑब्जर्वेशन पीरियड माना जाता है। इस समय जो भी चीज़ें ये लोग अपने आसपास देख रहे थे उन्हीं चीज़ों को ये आगे चलकर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो मेसोलिथिक पीरियड जो है उससे जुड़ी हुई कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि बदौर राजस्थान से और आदमगढ़ एमपी से। ये ऐसी दो साइट्स हैं जिसमें डोमेस्टिकेशन के अर्लीएस्ट एविडेंसेस मिलते हैं, यानी कि पशुपालन। इन्होंने यहाँ पर आज के समय के जो डॉग्स हैं उनके वाइल्ड एंसेस्टर्स जो हुआ करते थे उनका ये पालन किया करते थे, उनको ये एक तरह से डोमेस्टिकेट करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं मेसोलिथिक पीरियड से जुड़ी हुई। एज आई टोल्ड यू, ये ट्रांजिशन फेज है, ये ऑब्जर्वेशन पीरियड है, अपने आसपास होने वाले बदलावों को ही ये नोट कर रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि मेसोलिथिक पीरियड वो समय भी था जब इन लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया। हालांकि ये स्क्रिप्ट तो यहाँ पर नहीं बनाते हैं, किसी तरह की लैंग्वेज जो है उसके बारे में भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ हमारे पास कुछ केव पेंटिंग्स हैं। ये जो पेंटिंग्स हैं इन्हीं के जरिए इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की। भीमबेटका की गुफाएं, सतपुरा रेंज, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर गुफाओं में दीवारों में आपको इस तरह की पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। ये पेंटिंग्स हमें काफ़ी चीज़ें बताती हैं इन लोगों के बारे में, कैसे ये हंटिंग और गैदरिंग करते थे। कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी हैं जिसमें ये लोग किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए देखी जा सकता है। तो ये है आपका मेसोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट पर्टिकुलर पीरियड की ओर बढ़ते हैं जो कि ऑब्वियसली है न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड यानी कि न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज एक ऐसा समय जिसमें जो भी टूल्स पाए गए वो खेती से जुड़े हुए थे, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेसोलिथिक पीरियड वाज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, लेकिन उन ऑब्जर्वेशंस को, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का काम इन लोगों ने न्यूलिथिक पीरियड में ही किया। मेसोलिथिक पीरियड में जिस तरह की सीड्स इन्होंने इकट्ठा किए थे उन्हीं सीड्स को अब यहाँ पर प्लांट करने वाला है वो। तो यहाँ ये वो समय है जब इन्होंने खेती करना शुरू किया। एक तरह से हम जानते हैं कि खेती करने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर फसल जो है वो एक दिन में तो नहीं उगती है,
फसलें जो है फसल जो है उसका पूरी देखभाल करनी पड़ती है, फिर हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, उस खाने को स्टोर करना पड़ता है, उन ग्रेन्स को, तो वो एक बहुत लंबा समय लगता है। और इतने लंबे समय के लिए खेती करने के लिए आपको एक ही जगह पर ठहरना होगा। यानी नियोलिथिक पीरियड वो समय है जिस समय ये आदिम मानव जो थे ये एक तरह से सेटल होने लग गए, अलग अलग इलाकों में यहाँ पे ये सेटल होने लग जाते हैं। और एक तरह से जहाँ ये सेटल होने लग जाते हैं उन्हीं को हम लोग गाँव भी कह सकते हैं। तो यहाँ नियोलिथिक पीरियड वॉज अबाउट अग्रीकल्चर, खेती से जुड़े हुए टूल्स हमें इस पीरियड में मिलते हैं। इन लोगों ने डेड बॉडीज को डिस्पोज करना भी शुरू कर दिया, यानी प्रॉपर ग्रेव्स, प्रॉपर बरियल्स बना के यहाँ पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता था। इसके साथ पॉटरी पॉटरी जो है, पॉट्स वगैरह जो हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर बनाने शुरू कर दिए थे काफ़ी हद तक। तो आप इस तरह की चीज़ें भी देखेंगे। इवन इन्होंने घरों का कंस्ट्रक्शन, मड सेटलमेंट्स, ये सारी चीज़ें भी की। न्यूलिथिक पीरियड से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि आप इस पर्टिकुलर मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बुरजा होम को देखते हैं तो बुरजा होम एक ऐसी साइट है जो कि कश्मीर वैली में है, उस पर्टिकुलर पार्ट में, नॉर्थ वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। एंड बुरजा होम में बहुत से एविडेंसेस आपको पिट हाउसेस के मिलते हैं। इवन बुरजा होम में तो एक ऐसी बरियल पाई गई जिसमें एक मास्टर के साथ उसके डॉग को भी दफनाया गया था। इसके साथ चिरांद, चिरांद एक ऐसी साइट है जिसमें हमें स्टोन की जगह बोन्स के टूल्स भी मिलते हैं। एंटलर्स जो हैं उनके टूल्स भी आपको चिरांद में देखने को मिलेंगे। तो चिरांद अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट साइट बन जाती है। इसके बाद आती है मेहरगढ़। मेहरगढ़ आज के प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, लेकिन मेहरगढ़ को यूनेस्को की लिस्ट में भी जगह मिली है। इसकी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस ये है कि मेहरगढ़ जो है बाकी सेटलमेंट्स के मुकाबले बहुत बड़ी थी, यानी कि ये अर्लीस्ट जो विलेजेस हैं उनमें से सबसे बड़े सेटलमेंट के तौर पर मेहरगढ़ को ही माना जाता है। इवन मेहरगढ़ को जब एक्सकेवेट किया गया तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाउसेस के भी एविडेंसेस मिले। इसके बाद दाउचली हेडिंग, दाउचली हेडिंग इज इन नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पर आपको जेडटाइट के पत्थर, इसी के साथ साथ जो मोटर्स और पेस्टल्स होते हैं वो मिले। मोटर्स और पेस्टल्स का मतलब है, यहाँ पर आप लोगों ने अपने घरों में ओखली ज़रूर देखी होगी। ओखली एक तरीके से कोई भी इस तरह से उसका बेस होता है ऑब्वियसली, और उसके ऊपर एक सिलवट्टा होता है जिसके ज़रिए किसी भी चीज़ को, किसी भी मसाले को पीसा जाता है। तो यहाँ दाउजली हेडिंग में इस तरह की ओखली, स्टोन के बने हुए इस तरह की पोस्टर मोटर्स और पेस्टल्स जो हैं वो मिले हैं। तो यानी कि ये लोग ग्रेन्स उगाते तो थे बट उसके साथ उसकी प्रोसेसिंग भी करते थे, उसको पीसते भी थे। ओके, इसी तरह से साउथ में आपको हलौर है या फिर पय्यमपल्ली है, यहाँ पे लाइम स्टोन के बने हुए टूल्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपका स्टोन एज है। स्टोन एज जो है उसको थोड़ा और अगर बेहतर तरह से समझा जाए तो आप यहाँ देखेंगे कि इनका टाइम पीरियड कुछ ऐसा है, यानी कि पैलियोलिथिक एज जो है वो 2 मिलियन बिफोर कॉमन एरा से 10,000 बिफोर कॉमन एरा के बीच में रहा। मेसोलिथिक पीरियड 10,000 से 8,000 बिफोर कॉमन एरा के बीच में रहा, और नियोलिथिक पीरियड 8 से 5,000 बिफोर कॉमन एरा के बीच में रहा। लेकिन काफ़ी सारी किताबें जो हैं उनमें आपको अलग डेट्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि कुछ बुक्स में 10,000 की बजाय पैलियोलिथिक पीरियड को 12,000 तक ही स्ट्रेच किया है, कुछ बुक्स में मेसोलिथिक एज में 8,000 की बजाय उसको 10,000 बिफोर कॉमन एरा तक ही स्ट्रेच किया है। तो आखिर सही कौन सा है, कौन सा पीरियड सही है? एक्चुअल में सारे ही पीरियड सही हैं। अगर किसी बुक में पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो 2 मिलियन से 12,000 बिफोर कॉमन एरा तक दिया है वो भी सही है, अगर किसी बुक में वो 2 मिलियन से 10,000 बिफोर कॉमन एरा तक दिया है तो वो भी सही है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पीरियड इवोल्यूशन पीरियड है। हम चीज़ों को ग्रेजुअली सीख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि नॉर्थ में शायद लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी हो लेकिन साउथ वाले इलाके में अभी भी लोग हंटिंग और गैदरिंग ही कर रहे हों। तो ये ऐसा नहीं है कि एक साथ ही हर जगह सारे चेंजेस आ गए, एक साथ ही लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं था। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, और कोई किसी जगह पर कुछ चीज़ें पहले हो गई, जल्दी हो गई, और कुछ चीज़ें कुछ जगहों पे लेट हुई। तो इसी वजह से यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर पीरियड दिया हो वो अप्रॉक्सीमेटली आसपास बिल्कुल सही ही होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्टोन एज, जिसमें हम लोगों ने पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बारे में कवर किया। आने वाले सेशन में हम लोग हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी जानेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर पीरियड था दिस वाज प्री हिस्टोरिक पीरियड। आई होप आप लोग चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे। ये पीरियड प्री हिस्टोरिक पीरियड है, और यहाँ पे रिटन सोर्सेज नहीं थे लेकिन टूल्स के आधार पर और उन्हीं की स्टडी करके हमने जो भी दूसरे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले उसी के आधार पर हमने इस पीरियड को पढ़ा। तो ये आपका स्टोन एज था।
यहाँ इसी तरह की बाकी के बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप इस पर्टिकुलर चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसके साथ साथ इसे शेयर भी करें। इसके साथ साथ मैं अनअकैडमी प्लस पर भी पढ़ा रही हूँ फुल फ्लेज कोर्सेज के साथ, यानी कि वहाँ पर एंशियंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, इसके साथ साथ बाकी के जो पार्ट हैं आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हिस्ट्री का पूरा पोर्शन मैं कवर कर रही हूँ। तो अगर आप भी अनअकैडमी प्लस का पार्ट बनना चाहते हैं तो ज़रूर ज़रूर इस रेफरल कोड को यूज़ करें जो कि है Revisit 10, और ये आपको लगभग 10% का डिस्काउंट देगा सब्सक्रिप्शन पर। तो ज़रूर अनअकैडमी प्लस का पार्ट बने जहाँ पर फुल फ्लेज कोर्सेज के जरिए पूरे के पूरे यूपीएससी सीएससी के सिलेबस को कवर किया जाता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।